शाहरुख खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई लव हिम। पठान जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है सब लोगों का, इज अ किंग। शाहरुख खान ये तो जरिया होता है एक दूसरे से मिलने का, कम से कम एक मुसलमान हीरो की जो है वो दिखानी चाहिए। भाई जान शाहरुख खान की फिल्म दिखाएं, पठान वाली पठान फिल्म दिखाएं। शाहरुख खान की जो मूवी आ रही है पठान, को जरूर यहाँ पे सिनेमा में चलानी चाहिए। वो नाम भी डेट हो रहा है, शाहरुख खान की पठान मूवी दिखा दी हमें यहाँ पे, शाहरुख खान की पठान मूवी यहाँ पे हमें दिखा दें। शाहरुख खान की जो मूवी आ रही है पठान, को जरूर यहाँ पे सिनेमा में चलानी चाहिए, बिकॉज वी आर SR के फैन, और इससे थोड़ा पॉजिटिव भी होना चाहिए इंसान को। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आपस में बहुत दूर कर देती हैं, ये तो जरिया होता है एक दूसरे से मिलने का। आर्ट जो है आप समझती हैं कि एक दूसरे से मिलने का और दूरियाँ ख़त्म करने का एक जरिया है, एक कनेक्शन होता है ना हमारा आपस में। और बाकी भी बॉलीवुड की मूवीज जो हैं, जैसे आमिर खान की मूवी भी गुजर गई है वो भी नहीं दिखाई गई, उसके अलावा वरुण धवन की मूवी आई है वो भी नहीं दिखाई गई, तो आप क्या समझती हैं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताएं कि वो नेगेटिव, मतलब हम जो यंग जनरेशन है, हमें तो मतलब हमारे दिलों में जो घुसते हैं ना सर, हमें पाकिस्तानियों को वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे हमारी लेजेंड ऑफ मौला जट आई है, उन्होंने हमारी मूवी को इतना अप्रिशिएट किया है, सब इतना खुश होते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स दे आर डूइंग वेरी वेल, सो हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पाकिस्तान की देखें ना, पाकिस्तान की मूवीज़ वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताएँ कि क्योंकि SRK है वो वर्ल्ड वाइड एक सेलिब्रिटी है, ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो उसकी अगर मूवी पाकिस्तान में यहाँ पे सिनेमा में ना दिखाई गई तो फिर क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी कंट्री को कह सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव रहें, थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाएँ, ताकि हम भी अपने आप को शो करते हैं। तो हम पॉजिटिव तो शाहरुख खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई लव हिम। डू यू लव हिम रियली? अच्छा, बचपन का क्या है। अच्छा, शाहरुख खान की, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ पे बैन है, शाहरुख खान की बहुत अच्छी मूवी आ रही है पठान, पठान बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी, आप हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि दिखाई जाए? दिखानी चाहिए ना, क्योंकि वो एक बीइंग अ मुस्लिम हमारा कलीग है, हमारा जो है वो नेबर भी है, तो उसकी तो मूवी कम से कम एक मुसलमान हीरो की जो है वो दिखानी चाहिए इस बार में, तो मेरे तो रिव्यू ये हैं, ठीक है, बाकी आगे गवर्नमेंट की मर्जी, दिखानी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा। अभी शाहरुख खान की मूवी आ रही है पठान, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है सब लोगों को, शिद्दत से इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा जाहिर है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो फिल्म्स हैं उनको अनबैन करना चाहिए? हाँ जी, अनबैन करना चाहिए, जैसे उन लोगों ने हमारी काफ़ी मूवीज़ को उनके अपने स्टार्स में देखी है, बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब दोनों मुल्क के जो तनाज़ात हैं उनको ले कर चलें साथ, आर्ट में ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आर्ट जो आर्ट है वो सरहदों से बाहर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, तो पठान मूवी अगर यहाँ पे दिखाई जाए जरूर देखेंगे हम लोग, तो देखेंगे। हाँ जी जरूर, वीकेंड पे फेवरेट कौन से एक्टर हैं आपके? शाहरुख खान, उनका शाहरुख खान है, सलमान खान है, फिर हमारे अपने अपने भी, बल्कि वो लोग मुस्लिम्स हैं हमारे, तो उनको इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो हमें उनको इनक्रेज करना चाहिए, ना कि हमारे मुल्क को इस तरह बैन करनी चाहिए उनकी चीज़ें। दारों का भी वो दूसरी मायरा खान ने, मायरा खान ने भी उनके साथ किया है, शाहरुख खान के साथ, तो जब वो लोग मतलब करते हैं, इनक्रेज करते हैं, तो हम लोगों को भी करना चाहिए उनके कल्चर को। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें भाई।